हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी निकाली गई थी इंजीनियरिंग सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2020 के लिए। इसका जो एडमिट कार्ड है वो फ्रेंड्स जारी कर दिया गया है 11/12/2019 को, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं 5/1/2020 तक, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी 5/1/2020 है। और यहाँ पर आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर सकते हैं, और यदि आपने फॉर्म फिल किया था और आप इसका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको लिंक मिलता है यहाँ पर डाउनलोड के लिए क्लिक का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को आराम से चेक कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी दोनों में ये आपको अवेलेबल है। और यहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना है, आपके एग्जाम सेंटर पर कितने टाइम पहले आपको पहुँचना है, सभी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। आपको कौन सा पेन लेके जाना है, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सबसे लास्ट में यस का, तो यहाँ पर आपको ये पूछता है कि आपने इसका प्रिंट आउट लिया है या नहीं लिया है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है इसका प्रिंट आउट, पर आप यहाँ पर इसको यस करेंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आपका रोल नंबर। अगर देखिए आपके पास मैसेज या मेल आ गया है और रोल नंबर आपका जारी हो चुका है, आप यहाँ पर इससे जो है लॉगिन कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास रोल नंबर नहीं है, तो आपने ये जो फॉर्म फिल किया होगा तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपकी डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा को डालकर आप यहाँ से सबमिट करके आपका जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपके मोबाइल पर भी वो नहीं है, या फिर मेल आईडी पर भी आपको वो नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन में आपको यहां पर फॉरगेट आरआईडी का ऑप्शन मिलता है, मतलब रजिस्ट्रेशन आईडी का ऑप्शन यहां पर आपको मिलता है। आप इधर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, और सबसे पहले फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको कुछ डिटेल एंटर करनी है, जिसमें जो आपका नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त डाला था एज इट इज आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालकर ये कैप्चा को डालना है, और यहाँ से आपको कर लेना है सबमिट। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी रजिस्टर मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है, उस पर फ्रेंड्स आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल जाएगा तुरंत ही, या फिर 1-2 मिनट में आपको वो मिल जाने वाला है। उसके बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स उसकी यहाँ पर मैनुअल एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका जो प्रवेश पत्र है, ई एडमिट कार्ड है, जो कि 2020 इंजीनियरिंग सेवा या ESC सेवा प्री एग्जाम के लिए है, ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। और आपको यहाँ पर ऊपर सेक्शन मिलेगा डाउनलोड का, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड आप कर लेंगे, PDF में आपका ये सेव हो जाएगा, और आप जब भी चाहें इसका जो प्रिंट आउट है आप इसका निकलवा सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स कहीं भी कहा नहीं गया है इसका जो प्रिंट आउट है वो कलर निकलवाना है, आप कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी निकलवाना चाहें आप इसको निकलवा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो भी फोटो आईडी प्रूफ नंबर आपको यहां पर देखने को मिलता है इस रोल नंबर के नीचे, इस वाले को आपको डॉक्यूमेंट को लेके जाना होगा ओरिजिनल कंडीशन में, जो कि एग्जाम सेंटर पर आप लेके जाएंगे, नहीं तो फ्रेंड्स आपको जो है यहां पर आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर पर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे आपके सब्जेक्ट को और आपका टाइमिंग आपको मिल जाता है, और जो भी ये टाइम आपको दिया गया है उससे पहले फ्रेंड्स आधा घंटा पहले आपको पहुँचना होगा, और एग्जाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले फ्रेंड्स आपका जो भी यहाँ पर जो अंदर जाने की एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी और आपको एंट्री फिर नहीं मिलेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा भी गया है कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के लिए आपको ई प्रवेश पत्र, जो कि ये प्रिंट आउट है, उसके साथ साथ आपकी जो फोटो पहचान पत्र है, जो कि मूल आईडी है, जो कि आपकी ओरिजिनल कंडीशन में होनी चाहिए, जो कि क्रमांक उसका अंकित है, साथ में ब्लैक बॉल पेंट पॉइंट आपको लेके जाना होगा, और जो ई प्रवेश पत्र है वो फ्रेंड्स आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा जब तक आपका इसका जो रिजल्ट है वो जारी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में सभी डिटेल बता दी है शॉर्ट में, कैसे आप इसका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में फ्रेंड्स आपको यहां पर कैसे प्रोसेस है इसको यहां पर डाउनलोड करने की, और क्या क्या आपको लेके जाना है। और यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी क्यूरी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको jobrasta.com का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसकी सभी डिटेल को चेक कर लीजिए। और साथ में हमने आपको मेल आईडी भी प्रोवाइड की है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमसे मेल भी कर सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।